हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बॉलीवुड में कितने बड़े पैमाने पर सितारे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते हैं, इस बात की चर्चा फिर से होने लगी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है, एक ड्रग एंगल आ गया है और इसकी चर्चा बहुत जोर शोर से फिर से होने लगी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी अभिनेत्री कुनिका सदानंद। उनसे हम जानना चाहेंगे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी बदनाम रही है कि ड्रग्स बहुत लिया जाता है, सितारे नशा बहुत करते हैं, आप क्या इसमें जोड़ सकते हैं, कितनी सच्चाई इस बात में, कितने व्यापक पैमाने पर सितारे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं? रवि जी, ऐसा है कि ड्रग्स जो है हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुके हैं और ये क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग ज़्यादा रोशनी में हैं और या उनके ग्लैमर इंडस्ट्री है, उनको बारे में ज़्यादा रिपोर्टिंग होती है, लेकिन ड्रग्स पॉलिटिक्स में, आम जीवन में, कॉर्पोरेट्स में और हर जगह हो रहा है। अभी जो ड्रग्स की इन्होंने छानबीन की है और जो CBD वगैरह है, ये गांजा, CBD, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। ये इंडिया में तो खैर इलीगल है, लेकिन बाहर विदेश में एक ऑफ द काउंटर बेचा जाता है। CBD ड्रग एक ऐसा ड्रग है, मतलब CBD ऑयल ऐसा ऑयल है, जो मैंने अभी पढ़ा है उसके बारे में, कि वो मसल रिलैक्सेंट है। कह रहे हैं उसकी कॉफ़ी में, उसकी चाय में डाल के देते थे। अगर वो बाइपोलर था, अगर मानसिक तौर पे वो बाइपोलर था या उसको मतलब डायग्नोस किया हुआ था, तो हो सकता है उसे रिलैक्स करने के लिए दिया गया हो, ये मैं कह रही हूँ, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अगर वो ड्रग्स देकर, मेरा सिर्फ सवाल एक ही है, देखिए हर क्राइम में एक इंटेंशन होता है कि एक एक आपकी एक नियत होती है, एक और उस नियत का एक आउटकम होता है कि भाई ये मैंने नियत ये किया और मैं ये क्राइम करूंगी या करूंगा तो मुझे ये फायदा होगा। मुझे इसमें कहीं ना कहीं रिया का कोई फायदा नहीं दिख रहा है अगर वो सुशांत को ड्रग्ड रखे या उसको मार डाले, क्योंकि सुशांत की जिंदा रहने से ही उसको फायदा है। सुशांत जिंदा रहता तो सुशांत को फिल्में करता, उसकी कनेक्शंस बनती, रिया के भी कनेक्शंस बनते। जैसे अभी रूमी जाफरी जी ने अनाउंस किया एक फिल्म सुशांत और रिया के साथ, सो आई डोंट थिंक दैट रिया ऐसा कुछ करेगी जिससे एक जैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कौन मारेगा। तो लेकिन कोई ना कोई तो है इसके पीछे। अब वो खुद मरा है, किसी ने उसको मारा है, किसी ने उसको मरने पर उकसाया है। मैं तो हैरान इस बात से हूं कि ये सारी चीजें जो CBI 5-6 दिन में निकाल के लाई हैं, ये मुंबई पुलिस क्यों नहीं निकाल पाई। दिस इज नॉट, ये अच्छा नहीं है, ये भरोसा नहीं दिलाता है लोगों को पुलिस के ऊपर। तो आपको लगता है कि मुंबई पुलिस की जो जांच की दिशा थी वो अलग थी, नेपोटिज्म की तरफ थी, तमाम 45 लोगों से ज्यादा से पूछताछ की उन्होंने, CBI के आने से ये तमाम खुलासे हो रहे हैं और उन्हीं से ये सच सामने आ पाएगा सुशांत की मौत का? देखिए, यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं उन लोगों को दोषी ठहराती हूँ जिनके खुद के अपने एजेंडा थे, जिनको दे हैड एक्स टू ग्राइंड, पुलिस से प्रॉब्लम, मुंबई पुलिस से प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कहानी शुरू की। यस, कंगना रनौत ने जो अपना जो वर्जन सुनाया, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसने वो सामने खुलकर आई, उसकी वजह से ये मामला पूरे तूल में आया। लेकिन आप ये देखिए कि कंगना रनौत के इंटरव्यू की वजह से नेपोटिज्म का एंगल आया। नेपोटिज्म का एंगल जब आया तो पुलिस उस पर जांच करने लगी। अच्छा, पुलिस को मेरे हिसाब से, मैं क्योंकि अब वकील भी हूं, तो मुझे लगता है पुलिस को मल्टी प्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, उन्होंने सिर्फ एक ही तरफ किया। अब मीडिया में इतनी ये बात उछाली गई, अगर पुलिस नहीं करती तो कहते कि आप सलमान खान, करण जौहर सबको बचा रहे हैं, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। अब करो तो मरो, नहीं करो तो मरो, तो ऐसी हालत है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि एक ही दिशा में नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज देखिए उनको उनकी थूतू हो रही है, एंड दिस इज नॉट गुड, क्योंकि उनका थूतू होना मतलब एक इंस्टीट्यूशन पर भरोसा हट जाना, जो कि पब्लिक के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से बॉलीवुड फोकस में आ गया है, कंगना रनौत ने भी ट्वीट कर ये कहा है कि बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर जो सितारे हैं और तमाम लोग जो हैं ड्रग्स का सेवन करते हैं और एक स्वच्छता अभियान चलाया जाना चाहिए, लोगों का अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो कई लोग ऐसे पकड़ में आएंगे कि वो जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कहेंगी कंगना ने जो बयान दिया है ट्वीट के जरिए? नहीं, नहीं, कंगना जी, मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ एज एन एक्टर, लेकिन कभी कभी वो ओवर द टॉप बहुत बोलती हैं। सबसे पहली बात, एक डेमोक्रेसी में और एक फ्री कंट्री में आप जैसी आके आप ड्रग्स लोगों के ब्लड टेस्ट नहीं कर सकते। ब्लड टेस्ट होने चाहिए और ड्रग्स का ये पूरा जो बिजनेस है इसको
पूरी तरह से बस्ट करना चाहिए। और मैं तो शुक्रगुजार हूं कि सीबीआई इस मामले में भी जांच कर रही है, नार्कोटिक्स ब्यूरो भी अभी इसमें एंट्री कर चुका है। आई वॉन्ट दैट ये बिकॉज ड्रग्स इज हमारे नेशन के लिए खराब है, पंजाब पूरा बर्बाद हो गया ड्रग्स के चलते। तो ये धीरे धीरे ड्रग्स, और अगर बॉलीवुड के अलावा मैं आपको फिर से कह रही हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के जो पार्टीज होती हैं, अपने जो पॉलिटिशियंस हैं, यूपी वगैरह में तो खुलेआम मिलता है भांग वगैरह मिलता है, गांजा खुलेआम मिलता है, कुल्लू मनाली ये सब जगह पे तो लोग जाते हैं हॉलीडेज करने की, उसका नाम ही मनाली रखा हुआ है। तो ये चीजें हैं और सब लेते हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सही है। मेरे बच्चे अगर लेंगे तो मैं बहुत अपसेट हो जाऊंगी और उनसे बहुत नाराज हो जाऊंगी, लेकिन जो कंगना जी कह रहे हैं सबके ब्लड टेस्ट करो, ये सब बहुत ही स्वच्छता अभियान की जरूरत है ऐसा लगता है बॉलीवुड में। अभियान अपने देश के लिए जरूरी है, ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, ये पूरे देश में है। आम आप पीछे बैक रोड पे जाएंगे तो यहाँ पे मतलब रात के टाइम ड्रग पेडलिंग हो रहा होता है, लेकिन कौन इसको नजरअंदाज करता है? आपको लगता है कि बॉलीवुड को यूं ही खामखा बदनाम किया जा रहा है? मैं ये नहीं कहूंगी बॉलीवुड को खामखा बदनाम किया, लेकिन बॉलीवुड के साथ साथ आप दूसरे लोगों को भी बताए, उनके बारे में बोलिए जो ये ड्रग्स अलाउ करते हैं, जो ये हैंड इन ग्लव है पुलिस और जो बाकी जो भी लोग हैं, बिकॉज इट्स अ बिग बिजनेस। तो ये सब उन सबको उजागर कीजिए ना, लेकिन सबका ब्लड टेस्ट करना ये सब बेकार की बात है। कह रहे हैं कि बॉलीवुड के अलावा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा भी तमाम जगहों पर लोग ड्रग्स का सेवन करते इस्तेमाल करते, देश भर में उनको भी पकड़ना चाहिए और ये रैकेट जो बस्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कुनिका जी आपसे कि जब फिल्मी सितारे ड्रग्स का सेवन करते हैं तो फिल्मी सितारों को आइकन माना जाता है, उन्हें लोग करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, एक गलत संदेश जाता है, आपको नहीं लगता है कि इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि बॉलीवुड के लोगों पर नजर भी रखी जाए और इस तरह का जो रैकेट है बस्ट किया जाए? ये कमाल की बात है, ये फिल्मी सितारे ड्रग्स करते हैं तो लोग उनको फॉलो करते हैं। फिल्मी सितारे और फिल्मों में कितनी अच्छी अच्छी बातें भी तो होती हैं। देखिए समाज इस वक्त जो समाज पूरी दुनिया में जो समाज है वो एक अलग दिशा में जा रहा है, और उस वो दिशा सही है या गलत ये नहीं पता किसी को, क्योंकि वो नतीजे बाद में बताएंगे। सो डेफिनेटली यू लुक अप टू, आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स के जो लोग हैं वो नहीं ड्रग्स लेते हैं? उनका तो खैर यूरिन टेस्ट ब्लड टेस्ट बाकायदा होता है, लेकिन एवरी हाई प्रोफाइल, आजकल के कोई भी हाई टेंशन हाई प्रोफाइल जॉब में लोग गांजा पीना नॉर्मल समझते हैं कि मुझे रिलैक्सेशन होता है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू कि जिस दिन आप उसको लीगल कर देंगे गांजा को, थिंग्स विल बी डिफरेंट, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गांजा ओनली। मैं ये कह रही हूँ ये जो मेथ, ये अपना कोकेन, दीज आर ऑल वेरी डेंजरस ड्रग्स, एवरीथिंग अति से ज्यादा सब डेंजरस है। सो इट शुड बी बस्टेड, ये कहाँ से आता है, कौन लेकर आता है, किसके सहारे से ये लोग बिजनेस कर पाते हैं, ये सब बस्ट होना चाहिए हमारे देश के फ्यूचर के लिए। चलिए एबीपी से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।